जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर्नाटक के तुमकुरु जिले में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का निर्माण किया। 3 जनवरी 2016 को पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की इस हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की नींव रखी थी। ये सिर्फ सामान्य फैक्ट्री लगने वाली नहीं है, इस धरती पर वो काम होने वाला है जो हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए काम आने वाला है। ये छोटा सा गांव, ये तुमकुरु जिला विश्व के नक्शे पर अपनी पहचान बनाने वाला है। वहीं 6 फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन भी किया। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है। आने वाले समय में यहां तुमकुरु में ही सैकड़ों हेलीकॉप्टर बनने वाले हैं और इससे लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस यहां होगा। हेलीकॉप्टर बनाने वाली ये फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली है, जहां हेलीकॉप्टर के निर्माण से लेकर हेलीकॉप्टर से जुड़ी रिपेयरिंग का काम भी होता है। इसके अलावा यहां वर्तमान में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH बनाए जा रहे हैं और इसके बाद लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी LCH व इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH के निर्माण की भी योजना है। इन हेलीकॉप्टर के निर्माण में स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे विदेशों की महंगी टेक्नोलॉजी पर भारत की निर्भरता कम हो रही है। वर्तमान में इस फैक्ट्री में हर साल 30 हेलीकॉप्टर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आने वाले 20 सालों में 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होगा और करीब 6000 लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही इस फैक्ट्री में निर्मित होने वाले हेलीकॉप्टर दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। ये पीएम मोदी की दूरगामी सोच व मजबूत नीतियों का ही परिणाम है कि एक ओर जहां मेक इन इंडिया सैन्य उत्पादों की मदद से भारतीय सेना हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो रही है, हेलीकॉप्टर निर्माण से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी भारत में विकसित हो रही है, तो वहीं यहां निर्मित हेलीकॉप्टर विदेशों में बेचकर भारत के लिए करोड़ों रुपए के नए व्यवसायिक क्षेत्र भी खुल रहे हैं, जिससे तुमकुरु जिले समेत पूरे भारत के विकास को नई गति मिलेगी।